मिर्जापुर के शहर कोतवाली अंतर्गत रामबाग में दो समुदाय के युवकों के बीच मामूली विवाद के बाद माहौल गर्म हो गया। मारपीट के दौरान घायल एक युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक के साथ दूसरे समुदाय के युवक द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मारपीट मामले में कार्रवाई को लेकर रात में ही बीजेपी नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और बीजेपी जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली शहर थाने पहुंच गए। काफी देर तक दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ थाने में डटे रहे। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही सभी वापस घर लौटे। वहीं बीजेपी विधायक ने थाने आने को लेकर कहा कि शहर में अमन चैन का माहौल नहीं बिगड़े, वह इसलिए सूचना मिलने पर थाने आए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वह मामले में जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी 6:30 बजे के आसपास की घटना है। करीब दो समुदाय के दो लड़के थे, उनमें एक विषय वस्तु को लेकर के जो है विवाद हो गया था, उसमें हड़ताल हो गई, हड़ताल में हाथापाई भी हो गई थी, जिसके प्रदेश में दोबारा जो है एक दो पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई थी। इस मारपीट में जो है एक लड़के को चोट आई है, जिसको ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। हम इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हम इसमें नियमानुसार FIR दर्ज करके जो है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी भी लगा रहे हैं।